आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से। स्वागत है आपका लता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, साहब से बात करनी है। बात कीजिए जी। जय हिंद, बताइए सवाल क्या है। जय हिंद, नमस्कार भाई साहब। आदाब भाई साहब, मेरे ना कजन के पाइनक्रेज के पास जो नाड़ियां होती हैं उसके सूजन आई भी है। उसकी कोई, उसके लिए दवा चाहिए। मैं समझा नहीं, आपके कजिन का क्या उम्र है और क्या रोग है? उनकी उम्र है जी 50 साल। अच्छा, वो पाइनक्रेज होती है ना, पाइनक्रेज पेट में। अच्छा अच्छा, उसके पास सूजन आई भी है जी। ठीक है ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, एक ना जी मैं गोंसिया ले रही हूँ 1.5 महीने से। मैं खुद ले रही हूँ और मेरे को फर्क तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पहले नहीं था। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, आप चाहें तो एक वक्त ले सकते हैं, ये ताकतवर चीज़ है, दुनिया की ताकतवर तरीन गोंद है ये। तो किसी किसी को अगर ऐसा लगे तो वो एक टाइम ले सकते हैं, काफ़ी रहेगा, फिर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। नहीं तो लहसुन ज़्यादा खाइए, अदरक ज़्यादा खाइए, इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। और अगर ब्लड प्रेशर का कोई बीमार है तो वो जैतून का सिरका पिया करें, 1 या 2 टाइम, 3-3 चम्मच। और ये गौंसिया, जब तक फ़ायदा तो आपको शुरू हो गया, मुझे खुशी हो गई कि फ़ायदा शुरू हो गया, एक दिन आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है, खूब ऐसे ही भरोसा रखें। अच्छा, एक और गोंद आता है, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखना, ये नकली, ये भी नकली बहुत मिलने लगा है, तो सफ़ेद वाला लेना है, गोंद मोरिंगा सफ़ेद। अब इसको आप ऐसी रॉ मटेरियल लेना जैसे आपने ये लिया है, और इसको पाउडर बना लें, और 1 ग्राम रोज़ाना दूध में मिलाकर अपने किचन को दें, और 1 ग्राम रोज़ाना पी लिया करें, उनकी स्वेलिंग भी ठीक होना मुमकिन है जी।